यहाँ पर इस वीडियो में प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स का जो फर्स्ट लुक है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने पोको F5 डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स 1.1 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है। एंड इस वीडियो में इस रोम का जो फुल रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड पसंद आए तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले देख सकते हो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिल जाएगा। कम्प्लीटली यहाँ पर सेटिंग्स मेनू जो है रीडिजाइन हो गया है। देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को मिलेगा सेटिंग्स मेनू के साथ। अबाउट फोन की अगर बात करें यहाँ पर अबाउट फोन के साथ भी चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो बिल्ड है तो ऑफिशियल बिल्ड है पोको F5 डिवाइस के लिए। एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। 5th May 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 5.10 कर्नेल के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स 1.1 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ जो है लाइट थीम एंड डार्क थीम दोनों ही अवेलेबल है। एंड यहाँ पर पिच ब्लैक थीम का जो फीचर से ऐड किया गया है। डेटा यूजर्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है पर ब्राइटनेस परसेंटेज भी देखने को मिल जाएगा। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वाईफाई काम कर जाएगा, ब्लूटूथ काम कर जाएगा, हॉटस्पॉट काम कर रहा है, वॉल्टी वाईफाई 4G 5G सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस के साथ जो इशू था उसे फिक्स किया गया है। इस अपडेट के साथ ऑटो ब्राइटनेस काम कर जाएगा। एंड वेनिला एंड GApps दोनों बिल्ड ही अवेलेबल है। यहाँ पर स्मार्ट पिक्सल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। प्लस यहाँ पर AOD का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सही तरीके से जो है पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर लॉक स्क्रीन को भी जो है कस्टमाइज़ किया है। बाकी यहाँ पर पावर बटन की अगर बात करें तो पावर बटन के साथ जो है ब्लर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन से अवेलेबल है। रिकवरी बूट लोडर एंड सिस्टम UI को आप यहाँ से रिबूट कर सकते हो। वॉल्यूम पैनल के साथ जो लैग होता है उसे जो है फिक्स किया गया है। प्लस जो हैप्टिक्स है उसे भी इम्प्रूव किया गया है। डेप्थ वॉलपेपर भी अवेलेबल है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन की अगर बात करें कुछ इस तरह से लॉक स्क्रीन UI देखने को मिलेगा। देख सकते हो काफ़ी डिफरेंट UI है। तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, वॉल्यूम एंड फ्री रैम देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट का ऑप्शन है। फ्लैशलाइट एंड QR कोड का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो हमने यहाँ पर लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज़ किया है। बाकी इस कॉलिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ है। क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ कोई भी लैग हमने नोटिस नहीं किया है। इवन वॉल्यूम पैनल के साथ भी हमने कोई भी लैग को नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ है। प्लस यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग का जो फीचर से ऐड किया गया है जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी अवेलेबल है। Gemini AI भी काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर प्ले स्टोर को यहाँ पर अलग से इंस्टॉल नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पर GApps बिल्ड को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर GApps एंड वेनिला दोनों बिल्ड ही अवेलेबल है। यहाँ पर कैमरा टू API के साथ जो है Level 3 का सपोर्ट है। गूगल कैमरा काम कर जाएगा, GCam यहाँ पर काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। एंड यहाँ पर MIUI और HyperOS का जो कैमरा है ऐड किया गया है। तो यहाँ पर HDR AI कैमरा ऑप्शन है। वॉइस शटर का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। 2x अल्ट्रावाइड लेंस काम कर जाएगा। पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है, नाइट मोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर 64 MP पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सभी ऑप्शन है। वीडियो रिकॉर्डिंग काम कर जाएगा। 4K 30 FPS के साथ जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। OIS का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। तो यहाँ पर MIUI कैमरा भी यहाँ पर काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग स्पीड प्लस रैम मैनेजमेंट बढ़िया है। हमने यहाँ पर कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को जो यहाँ पर रन किया था। तो यहाँ पर 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 7293 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है पोको F5 डिवाइस के साथ। प्लस यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 705, मल्टी कोर के साथ जो है 3102 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से कम है। प्लस Geekbench 6.3.0 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 1018 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 3537 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर भी जो है एवरेज से कम स्कोर देखने को मिल गया है। अगर बात करें पर सेफ्टीनेट के बारे में तो बाय डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स यहाँ पर सेफ्टीनेट जो है
पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट जो है काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट जो मोड है उसके साथ हमने जो सभी जो बेंचमार्किंग एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर ट्राई किया था। एंड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट मोड में आपको जो है काफ़ी सही जो है बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्मल पावर का ऑप्शन है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन है, चार्जिंग कंट्रोल का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शेड्यूल, कस्टम शेड्यूल, लिमिट चार्जिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पर 80% हमने सिलेक्ट किया है, 80% होने के बाद जो है डिवाइस जो है चार्ज नहीं होगा। तो बैटरी हेल्थ के हिसाब से जो फीचर से काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बाकी यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी, बैटरी सर्कल, बैटरी टेम्परेचर को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज के साथ जो है लगभग 7 आवर और 7.5 आवर के आसपास जो है स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि सच में काफ़ी बढ़िया है। तो बैटरी बैकअप जो है आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कस्टमाइजेशन के बारे में। तो ढेर सारी कस्टमाइजेशन फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मोनेंट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, थीम स्टाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर मोनेंट कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। थीम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, लॉक स्क्रीन के ऊपर जो क्लॉक फॉन्ट है उसे एडजस्ट कर सकते हो, आइकॉन पैक, यहाँ पर सिग्नल आइकॉन स्टाइल, वाईफाई आइकॉन स्टाइल, इवन जो वॉल्यूम पैनल उसे कस्टमाइज कर सकते हो, डेटा आइकॉन स्टाइल, नेविगेशन बार स्टाइल को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। लॉक स्क्रीन के साथ भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। हमने यहाँ पर iOS स्टाइल लॉक स्क्रीन UI को ऐड किया है। तो यहाँ पर हमने लॉक स्क्रीन UI को जो है कस्टमाइज किया है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन वेस का जो क्लॉक स्टाइल है सिलेक्ट किया है, इस तरह से आप जो है यहाँ पर डायनेमिक क्लॉक का ऑप्शन है, डेप वॉलपेपर को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट इरर वाइब्रेशन का ऑप्शन है, लॉक स्क्रीन चार्जिंग इन्फो का ऑप्शन है, प्लस रैपल एनिमेशन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ जो है बैटरी बार को कस्टमाइज कर सकते हो, वेदर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन है। सरस बार के साथ भी यहाँ पर जो क्लॉक स्टाइल है, सरस बार आइटम्स का ऑप्शन है, बैटरी स्टाइल, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, डेटा डिजिबल आइकॉन, एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स के साथ भी डेटा यूजेस, प्लस क्विक सेटिंग्स ड्यूअल टोन का ऑप्शन है। इवन जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो ओपेसिटी है उसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, ब्लर को ऐड करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर क्विक सेटिंग्स कस्टमाइजेशन, ब्राइटनेस स्लाइडर कस्टमाइजेशन, ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन, यहाँ पर ब्राइटनेस परसेंटेज, प्लस हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, प्लस यहाँ पर प्लेबैक कंट्रोल का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। वॉल्यूम बटन के साथ डिवाइस को पिकअप कर सकते हो, वॉल्यूम परसेंटेज को ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर कॉल को भी आंसर कर सकते हो। एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ जो है एज लाइटिंग का ऑप्शन है, एनहांस यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, प्लस वाइब्रेटन कनेक्ट, वाइब्रेटन कॉल वेटिंग, वाइब्रेटन डिस्कनेक्ट का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली पोको F5 डिवाइस के ऊपर प्रोजेक्ट इन्फिनिटी का जो इन्फिनिटी एक्स का जो लेटेस्ट अपडेट है ट्राई करके देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पोको F5 का जो प्लेलिस्ट है जरूर से चेकआउट करके देखना। चलो बाय बाय।